Welcome to today's classes, my dear students. Look at the board now. Today I am going to teach you the question number 5 of exercise 4.3 of quadratic equation. Quadratic equation. इसके सारे previous question मैं आपको करा चुका हूँ. आप previous videos में देख सकते हैं. इस question में क्या theoretical question है? इसमें आपको इसको read करके quadratic equation तैयार करनी है. उसके बाद उसको solve करना है. आइए ऐसे वो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आइए पहले भी कर चुके हैं तो आसानी से आपको समझ आएगा. इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ 47 मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30. माय डियर स्टूडेंट्स, 47 ने कोई टेस्ट दिया, 47 के मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों में मिलाकर के 30 मार्क्स आए हैं. 47 के मैथ्स और इंग्लिश दोनों में टोटल 30 मार्क्स आए हैं. अब मैथ्स में कितने वी डोंट नो, इंग्लिश में कितने वी डोंट नो, बट पता है कि दोनों का सम 30 है. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैथ्स में कितने हैं और इंग्लिश में कितने हैं कुछ पता नहीं. उसके बाद एक सेकंड कंडीशन भी है, भाई मैथ्स में 15 हो सकते हैं, इंग्लिश में 15 हो सकते हैं, 15 15 30. मैथ्स में 10 हो सकते हैं, इंग्लिश में 20 हो सकते हैं, 20 10 30, कुछ भी हो सकता है. बट इसमें कंडीशन सेकंड भी अप्लाई होगी जिससे पता चल जाएगा. अब हमें पता ही नहीं मैथ्स में कितने हैं और इंग्लिश में कितने हैं. ना लिसन, हम क्या करेंगे, आइए हम जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है तो लेट करके लेट मार्क्स इन मैथ्स. माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स में हमने मार्क्स मांग लिए एक्स साइंस के. ठीक, मैथ्स में मार्क्स एक्स है. ठीक, और टोटल है 30. मैथ्स और इंग्लिश दोनों को मिला के टोटल है 30 और मैथ्स में हमने एक्स मान लिए. तो भाई अब मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में मार्क्स होंगे 30 माइनस एक्स. ये शुरू का स्टार्टिंग होता है, कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन. अगर स्टार्टिंग सही हो जाए तो समझ लो आधा क्वेश्चन आपका हो गया. तो आराम से समझिएगा कि मैथ्स में एक्स माना, एक्स कुछ भी हो सकता है, 10 12 13 14. ठीक, तो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाए क्योंकि यहां पे सम गिवन है, सम है 30. अगर मैथ्स में 10 तो नेचुरली आपके पता चल गया इंग्लिश में 20 होंगे, अगर मैथ्स में 12 तो इंग्लिश में 18 होंगे क्योंकि दोनों का सम जो है 30 है. तो अगर मैथ्स में एक्स है तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स होंगे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या क्या कह रहे हो, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन इंग्लिश, अगर उसके इंग्लिश में 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते. ओके, नाउ मार्क्स इन मैथ्स में, सॉरी मैथ्स में मार्क्स इन मैथ्स, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा आते. मैथ्स में कितने मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है, मैथ्स में एक्स है और 2 मार्क्स और तो हो जाएंगे एक्स प्लस 2, 2 मार्क्स बढ़ गए. अगर 12 होते तो 14 हो जाते, ठीक है. एंड 3 मार्क्स लेने लेस इन इंग्लिश, तो मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश 3 मार्क्स लेस, लेस मतलब कम. तो ऑलरेडी पहले कितने हैं, 30 माइनस एक्स है और माइनस 3 कर दो कि 3 मार्क्स लेस हो गए. इतना तो आप लोग समझते ही होंगे और अच्छी तरह समझने की कोशिश भी करेंगे. तो ये हो जाएगा 30 में से 3 माइनस 27 माइनस एक्स. तो नाउ माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, अब उसके मार्क्स ये तो रहे मैथ्स में सेकंड कंडीशन में और ये रहे इंग्लिश में सेकंड कंडीशन में, वैसे उसके मार्क्स ये है. ठीक, तो आगे ने कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, यानी इस मार्क्स और इस मार्क्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वुड हैव बीन 210, वो 210 होगा. ये कंडीशन अप्लाई करते हैं जिससे आपको आंसर निकालना है. तो मार्क्स मैथ्स में एक्स माने थे, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स हो गए, फिर कंडीशन अप्लाई करी कि मैथ्स के मार्क्स 2 ज्यादा हो गए तो एक्स प्लस 2 और इंग्लिश के मार्क्स जितने भी थे उसमें से 3 कम हो गए, 3 लेस हो गए, तो हमें 30 माइनस एक्स 27 माइनस एक्स हो गए.
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज 210, तो यानी एक्स प्लस टू ये मार्क्स है मैस के, और 27 माइनस एक्स ये मार्क्स है इंग्लिश के, दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल में आएगा 210, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों के मार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 210 होगा। इमेजिन करते रहे क्या होगा, वो बात की बात है, बट हम एक्स सपोज कर रहे कि इन दोनों का जो है जो क्वेश्चन में लिखा उसके अकॉर्डिंग। अब आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स तैयार है, बस आपको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इधर एक्स जो है इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे होगी, तो एक्स ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, एक्स की मल्टीप्लाई पूरे पॉलिनोमियल से होगी, टू की मल्टीप्लाई पूरे से होगी, तो एक्स करके ब्रैकेट में ये कर दिया, फिर प्लस का 2 और ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स, और इक्वल में हो गया 210। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वल में 210। अब इस ब्रैकेट को आपको ओपन करना है, एज यूजुअल आप जानते हैं एक्स के 27 से मल्टीप्लाई 27 एक्स माइनस एक्स के एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, प्लस 2 के 27 से मल्टीप्लाई 54, और प्लस माइनस माइनस साइन का बहुत ध्यान रखना है ब्रैकेट ओपन करते हुए, 2 के एक्स से मल्टीप्लाई 2x इक्वल 210। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद देखिए पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिस्टमेटिकली बनानी, जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, इस फॉर्म में लानी है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आएंगे एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बड़ी पावर सबसे पहले, माइनस एक्स स्क्वायर साइड के साथ, यह 27x यह 2x दोनों सिमिलर है, प्लस और माइनस माइनस, 27 में से x माइनस करेंगे 25x, बड़े की तरफ साइन है प्लस का, प्लस के 25x, ठीक, और प्लस 54, ठीक। अब माइनस में इक्वल में 210, उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, तो माइनस के 210 और इक्वल में आ गया जीरो, जैसे कि आपको पता है इक्वल में जीरो लाना है, सबको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। नाउ माइनस में लुक एट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, ये प्लस और माइनस है, प्लस माइनस करेंगे 210 में से 54 अगर माइनस करेंगे तो माइनस के 156 आएंगे, बड़े की तरफ साइन जो होता है वो अप्लाई करते हैं, ये आपके पास इक्वेशन तैयार होगी। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कीजिए, हम अप्लाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी आप अप्लाई कर सकते। तो आइए यहां पर a की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ हो दैट इज a, तो a की वैल्यू माइनस हो गया माइनस 1, b की वैल्यू 25 एंड c की वैल्यू माइनस 156। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, c की वैल्यू माइनस 156। अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक, वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ये बाद में करेंगे, ये लिखे 25 का स्क्वायर, आराम से वैल्यू को पुट करना, a की वैल्यू माइनस का 1 और माइनस के 156, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अपॉन 2 इंटू माइनस 1, यह आपके सामने आ गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, एक्स इक्वल माइनस 25, सिर्फ कैलकुलेशन आराम से, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 इंटू 25 इनकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 4 6 24 2 1 2 -2, तो लीजिए आपके सामने ये वैल्यू आ चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। नाउ लुक एट इट, अगर आप इसके बाद आगे इसको फर्दर करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, देखिए पहले ये स्टेप तो यहीं पे हो जाएगा,
एक्स इक्वल माइनस 25 प्लस माइनस 625 में 624 माइनस करेंगे 1 अपॉन माइनस 2। तो यहां तक आपके पास आ चुका है। अब सबको बताया माय डियर फ्रेंड्स, एवरीबॉडी नोज कि 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो माइनस 25 प्लस माइनस 1 अपॉन माइनस 2। तो ये आपके सामने आ चुका है। अब आपको इसको क्या करना है, जैसे कि आपको पता ही इसके टू आंसर आएंगे, एक्स की टू वैल्यूज आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक्स इक्वल माइनस 25 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल प्लस माइनस माइनस 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, बड़े की तरफ साइन कौन सा, माइनस का, और माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल में आ गया 12। तो एक्स की वैल्यू 12 आ चुकी है। ठीक, दूसरा आप करेंगे माइनस में, एक्स इक्वल माइनस 25 माइनस 1 अपॉन माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस के 26 अपॉन माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया 30। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक तो एक्स की वैल्यू आ गई 12 और एक एक्स की वैल्यू आ गई 30, ये दोनों वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स एक्स की। अब देखिए आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट हियर, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, बट इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि एक्स की टू वैल्यूज आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए थे, टू वैल्यूज तो आएंगे। एक्स हमने मार्क्स इन मैथ सपोज किया था, बस एक्स जो है मैथ्स के मार्क्स है, यानी मैथ्स में मार्क्स 12 भी हो सकते हैं और 13 भी। इस केस में या तो मार्क्स 12 होंगे मैथ्स में या 13 होंगे। अब देखिए क्या करेंगे आप माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर एवरीबॉडी, अगर आप इधर देखते हैं आराम के साथ, या मैं इसको यहां से नीचे से इरेज कर रहा हूं, लुक एट, अगर मार्क्स मैथ्स में 12 लेके चलती हो, मार्क्स इन मैथ्स आपने एक्स सपोज किया, एक्स की वैल्यू दोनों है, तो अगर आप 12 लेके चलती हो तो मार्क्स इन इंग्लिश क्या था, 30 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू आ गई 12, ये आ जाएगा 18, तो 12, 18, या फिर आप यहीं पर इसको आंसर डाल सकते हैं, एक आंसर तो ये रहा, बट एक्स की दूसरी वैल्यू 13 आई है, यानी मार्क्स इन मैथ्स इक्वल 13, क्योंकि एक्स के दो वैल्यू थे 12 और 13, यार एक्स हमने केवल मैथ्स के मार्क्स सपोज किया था, यानी मैथ्स के मार्क्स 12 भी हो सकते हैं 13, अगर मैथ्स के 12 होंगे तो इंग्लिश में 18 होंगे, सीधी सी बात है, सम 30 है, मार्क्स इन मैथ्स 13, तो मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस 13 17, तो एक आंसर ये आ गया। तो आपके पास टू आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, 12, 18 पहला आंसर और 13, 17 दूसरा आंसर। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, आई होप यू अंडरस्टूड। Thank you very much.